श्री कृष्ण के रूप में तुम्हें ढूंढती है क्योंकि तुम दोनों का नाम एक है। ये तुम में भगवान को ढूंढने की कोशिश करती रही है। प्यार की इसके अलावा कोई और परिभाषा होगी कान्हू जी कि कोई तुम में भगवान को ढूंढे? हो सकता है कि तुम्हें भी पछतावा होता हो, औरों की तरह तुम भी सोच रही होगी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, और क्या। अरे कृष्ण जैसे खूबसूरत भगवान की पूजा करना तुम्हारे अंदर की लालसा को दर्शाता है। ही अपने बेटे को समझा सकती हैं क्योंकि आप जानती हैं कि आपके बेटे ने किस तरह एक के बाद एक गलतियां की। सभी मां बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी ज्यादा लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से बच्चों में एकाधिकार हक और अहंकार की गलत भावना घर कर जाती है। बच्चे औरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं और आप ये बात समझ चुकी हैं। जो भी हुआ उसे पश्चाताप से ही सुधारा जा सकता है। आपकी बहू के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है और वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आप अपनी बहू को खुशी दे सकती हैं। इसका खोया हुआ सम्मान इसे लौटा सकती है। केवल आप ही ये कर सकती हैं। आपकी बहू के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है और वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आप अपनी बहू को खुशी दे सकती हैं। इसका खोया हुआ सम्मान इसे लौटा सकती हैं। Susheela,
आपकी बहू के लिए जो प्यार है आपके मन में, उसमें कितनी शक्ति है। मुझे माफ कर दो। नहीं सासु भाई, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो मेरी आई समान है। साई ने जो कहा वो सब सच है बेटा। गलती हमारी थी। तूने दूसरों की बातों को दिल पे लगा के बहू को सजा दी और मैंने भी वो तुझे सब करने दिया। मुझे तो तुम्हें रोकना चाहिए था, डांटना चाहिए था। मैं डर गई थी बेटा। मुझे लगा कि कहीं तो अपनी सुंदर बीबी से बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा, प्यार करने लगेगा तो अपनी आयु को भूल जाएगा। उसके प्यार को भूल जाएगा, अपनी आयु को अनदेखा करेगा। इसलिए मैंने अपने स्वार्थ के लिए सच का साथ नहीं दिया। लेकिन बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमारी सुशीला बहुत अच्छी है। आज जब मैंने इसे जलाने की कोशिश की उस समय मेरा शरीर अकड़ गया और जिस लकड़ी से मैं उसे जलाने वाली थी उससे मैं खुद जलने वाली थी। लेकिन इसने अपने हाथ को जलाकर मुझे बचाया। मेरी बहू बहुत नेक है। ये तेरे मेरे जीवन में ईश्वर का एक वरदान है। तो
तू सच्चे दिल से सुशीला से माफी मांग ले। मेरा विश्वास है ये तुझे माफ कर देगी, ये माफ कर देगी तुझे। कानू जी, ताने मारने वाले गलत हैं, लेकिन उन तानों से आहत होकर उसकी सजा किसी और को देने वाले ने भी तो सही नहीं किया ना। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफी के लायक नहीं हूं। एक मौका मुझे दे दो, एक मौका। माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अब रोकर मेरा दिल मत दुखाइए। गया हाथ से सरकार को बताना पड़ेगा। साईं, आप भी माफ कर दीजिए मुझे। जब माई ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? साईं, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। मैं जानता हूं आप अपने बेटे से बेहद प्यार करती हैं, पर आपको ये स्वीकारने की भी जरूरत है कि आपके बेटे की कुछ जिम्मेदारियां अपनी पत्नी की तरफ भी हैं। मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, बेटे के जीवन में मां की जगह अलग है और पत्नी की अलग। मां को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहू के आने से उसके लिए उसके बेटे का प्यार कम हो जाएगा, बल्कि उसे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि बहू के रूप में उसे प्यार करने के लिए एक बेटी भी मिल गई है। मैं समझ गई साई, आज से मैं सुशीला के साथ एक बेटी की तरह व्यवहार करूंगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है माई, मैं सब समझ गया। साईं, मैंने फैसला किया है, मैं हालात से डरकर अब भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। इसीलिए हम लोग अब अपने गांव वापस जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। जरूर जाओ,
लेकिन भेंट स्वरूप मेरी एक निशानी साथ ले जाना। मैं चाहता हूं कि मेरी माई के पास कपिला रहे, और हां, माई को दही बेचने से रोकना मत। माई की दही की मिठास से सबका मन खुश हो जाएगा। साई, ऐसे दही का क्या फायदा? मैंने तो आपको रोज दही खिलाने का वचन दिया था ना। यहां से लौटने के बाद वो वादा कैसे पूरा होगा साई? जब आप अपने गांव जाएंगे तब क्या श्री कृष्ण को भोग चढ़ाना बंद कर देंगे? नहीं ना, उन्हें चढ़ाएंगी तो मुझ तक भी पहुंच जाएगा। तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता है। ये तुम्हारा कृष्ण भी नहीं। रुक, अभी इसको मैं कुएं में फेंक कर आता हूं। आओ, मेरी बात सुनो। और साई, वो मूर्ति तो मैंने कुएं में फेंक दी थी। कान्हू जी, भगवान को भक्त से कोई दूर कर पाया है? ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। अपनी पत्नी की अमानत इन्हें सप्रेम वापस कर दीजिए। लीजिए। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा राम जी भला करे। इतना भी कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी बोल रहे हैं। और उसके बाद उस बैल ने तुम्हारे बाबा को आम की पेड़ की तरफ खूब तेजी से दौड़ाया और भाव का पैजामा फट गया। काका, अच्छा किया जो आप समय निकालकर हमारे यहाँ रहने आए, और आपसे बाबा के बचपन की नई नई कहानियां हमें सुनने को मिली। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ ठहरते तो हमें और अच्छा लगता। तात्या, हम भाई तो चचेरे हैं, लेकिन प्यार प्यार तो सगे भाइयों से भी बढ़कर है। और वैसे भी इतने समय बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें सुननी सुनानी है। सच देवर जी, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता।
वही नहीं, मन तो मेरा भी करता है पर तीर्थ यात्रा का मन बना के निकला हूं। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, यहां ठहरूंगा तो और विलंब हो जाएगा। वो तो भाव ने जिद की इसलिए खाना खाने के लिए रुक गया, वरना मैं तो शाम को ही निकल जाता। लेकिन मुझे हर हाल में आज रात को निकलना ही होगा, बैलगाड़ी मेरा बाहर इंतजार कर रही है। जैसा आप ठीक समझे, मैं रास्ते के लिए खाना बांध देती हूँ। ठीक ठीक है काका, लेकिन तीर्थ यात्रा से लौटकर आप हमारे यहाँ ठहरिएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर रुकूंगा। हाँ हाँ, ताकि इसे और कहानियां सुनने को मिले। हाँ। वैसे सुबोध, ये तीर्थ यात्रा जाने का विचार आया कहां से? विचार नहीं भाऊ, गुरु ने आज्ञा दी और निकल पड़ा। गुरु ने? दरअसल गुरु मंत्र धारण किया है मैंने, बिना कारण पूछे गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं हम। वो तो ठीक है काका, लेकिन ये गुरु मंत्र होता क्या है? तात्या, गुरु मंत्र वो मंत्र है जो हमारे गुरु हमें दीक्षा के समय देते हैं। ये एक दर्शन, एक निर्देश, कुछ भी हो सकता है। ये समझ लो तात्या, जब तक शिष्य को गुरु से गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक शिष्य का जीवन सार्थक नहीं होता, क्योंकि गुरु शिष्य के संबंध की ये सबसे महत्वपूर्ण औपचारिकता होती है। मैं तो कहता हूँ गुरु मंत्र के बिना गुरु का होना ना होना एक समान है। सही कह रहा हूं ना भाऊ? अभी सुबोध, मैं तो ठहरा सीधा साधा किसान, ये गुरु दीक्षा गुरु मंत्र वाली बातें मेरे तो समझ में नहीं आती, मुझे तो बस साई समझ में आते हैं। गुरु मंत्र वो मंत्र है जो हमारे गुरु हमें दीक्षा के समय देते हैं। ये एक दर्शन, एक निर्देश, कुछ भी हो सकता है। ये समझ लो तात्या, जब तक शिष्य को गुरु से गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक शिष्य का जीवन सार्थक नहीं होता, क्योंकि गुरु शिष्य के संबंध की ये सबसे महत्वपूर्ण औपचारिकता होती है। मैं तो कहता हूँ गुरु मंत्र के बिना गुरु का होना ना होना एक समान है। काका ने कहा गुरु मंत्र के बिना गुरु का होना ना होना एक समान है। इस गांव में हम सभी साई को दिल से गुरु मानते हैं, लेकिन साई ने तो हमें कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, क्यों? Sai